अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास सिक्स स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट अवर न्यू लेसन यूनिट नंबर 3 फैक्टर्स एंड मल्टीपल। इन दिस यूनिट फर्स्ट वी विल डिस्कस फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। आवर फर्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स। अ फैक्टर इज अ नंबर विच डिवाइड द डिविडेंड कम्प्लीटली लिविंग नो रिमाइंडर। फैक्टर जो है वो नंबर है जो डिविडेंड को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है और जिसका कोई रिमाइंडर ना हो, तो उस नंबर्स को हम क्या कहते हैं, फैक्टर्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1/6। अब फॉर एग्ज़ाम्पल 1 जो है वो फैक्टर है जो 6 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है और जिसका रिमाइंडर जो है वो 0 आता है। इसी तरह 2 जो है वो फैक्टर है जो 6 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है और जिसका रिमाइंडर जो है वो 0 आता है। इसी तरह 3 जो है वो 6 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है और 0 आता है उससे भी। हेयर 1, 2, 3 and 6 डिवाइड कम्प्लीटली, डिवाइड 6 कम्प्लीटली। 1, 2, 3 और 6 जो है वो नंबर है जो 6 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देते हैं और जिसका रिमाइंडर जो है वो 0 आता है। वी कैन से दैट 1, 2, 3, 6 आर द फैक्टर्स ऑफ 6। तो हम ये कह सकते हैं कि 1, 2, 3 और 6 जो है वो फैक्टर है, किसके, 6 के फैक्टर्स हैं। नाउ वी विल डिस्कस प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स, अ प्राइम नंबर इज अ नेचुरल नंबर्स दैट हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर्स वो नेचुरल नंबर्स होते हैं जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी जो सिर्फ दो नंबर्स पे ही डिवाइड हो सकते हैं। ऐसे नंबर जो है वो क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे 2 जो है वो सिर्फ 1 पे ही डिविजिबल है और 2 अपने जो टेबल है 2 पे अपने ही नंबर पे भी डिविजिबल है। इसी तरह 3 जो है वो 1 पे डिविजिबल है और 3 पे डिविजिबल है। तो ऐसे नंबर जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं उसको प्राइम नंबर्स कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोजिट नंबर। अ कंपोजिट नंबर इज अ नेचुरल नंबर दैट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर वो नेचुरल नंबर्स होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे अगर आपको 4 दिया है तो 4 जो है वो 1 पे भी डिविजिबल है, 2 पे भी डिविजिबल है, 4 पे भी डिविजिबल है, तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है। इसी तरह 6 जो है वो भी 1 पे डिविजिबल है, 2 पे भी डिविजिबल है और 3 पे भी डिवाइड हो सकता है और 6 पे भी डिवाइड हो सकता है। इसी तरह 8 और 8 के बाद जितने ऐसे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे नंबर जो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसको कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस मल्टीपल्स। वी नो दैट 2 and 3 आर द फैक्टर्स ऑफ 6। हम ये जानते हैं कि 2 और 3 जो है वो फैक्टर है जो कि 6 को क्या करता है, कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है। इट मीन्स दैट 2 divides 6 कम्प्लीटली। मतलब 2 जो है वो 6 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है और 6 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2। और ये भी है कि 6 जो है वो मल्टीपल ऑफ 2 है, यानी को 2 के साथ आप 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आता है। तो ऐसे नंबर जो कि 2 नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करके जो रिज़ल्ट आता है उस नंबर्स को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल कहते हैं। सिमिलरली 6 मल्टीपल ऑफ 3। इसी तरह 6 जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 है बिकॉज 3 divides 6 कम्प्लीटली, क्योंकि 3 जो है वो 6 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है। और फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमें दिया है मल्टीपल्स ऑफ 2, तो हमने मल्टीपल्स ऑफ 2 मालूम करना है। तो 2 जो है 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है, 2 के साथ फिर 2 मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, 2 के साथ फिर 3 मल्टीप्लाई करें 6 आता है। तो ऐसे नंबर जब जो 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के करने से एक नंबर रिज़ल्ट जो आता है उस रिज़ल्ट को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल्स कहते हैं। इसी तरह मल्टीपल्स ऑफ 3, यानी 3 का टेबल आपने लिखना है 3, 6, 9, 12। तो इसी तरह मल्टीपल्स ऑफ 5 लिखने हैं तो 5 का टेबल लिखना है, 5 1s 5, 5 2s 10, 5 3s 15 एंड सो ऑन। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल्स कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इवन नंबर्स। नंबर्स दैट कैन बी डिवाइडेड कम्प्लीटली बाई 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। ऐसे नंबर जो 2 पे कम्प्लीटली जो है वो डिवाइड हो सकते हैं, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इवन नंबर्स कहते हैं। 2 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी इवन नंबर्स। 2 जो है वो फैक्टर है हर एक इवन नंबर्स का। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जैसे हमें दिया है 2, 4,
6, 8 ऐसे नंबर्स जो है वो क्या कहलाते हैं, इवन नंबर्स कहलाते हैं, जो 2 पे डिवाइड हो सकते हैं कम्प्लीटली। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इवन नंबर्स कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ओड नंबर्स। नंबर्स दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड कम्प्ललीटली बाई 2 आर कॉल्ड ओड नंबर्स। ओड नंबर्स ऐसे तमाम नंबर्स जो कि 2 पे डिवाइड नहीं हो सकते, उस नंबर्स को हम क्या कहते हैं, ओड नंबर्स कहते हैं। 2 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ एनी ओड नंबर। 2 जो है वो फैक्टर नहीं है किसी भी ओड नंबर का। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अब हमें दिया है 1, 3, 5, 7 ऐसे नंबर जो 2 पे डिवाइड नहीं हो सकते हैं, उन तमाम नंबर्स को हम क्या कहते हैं, ओड नंबर्स कहते हैं। वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 3.1, पेज नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम नंबर्स एंड विच ऑफ देम आर कंपोजिट नंबर। कौन से नंबर हमारे पास प्राइम है और कंपोजिट नंबर से उनको अलग करना है। फर्स्ट आपको दिया है 17 जो है ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, हमने ये बताना है। 17 जो है ये प्राइम नंबर है क्योंकि ये इसके दो फैक्टर्स हैं, 1 और 17, तो इस वजह से ये क्या है, ये प्राइम नंबर है। 25 जो है वो उसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, यानी वो 1 के टेबल में भी हो डिविजिबल है, 5 के टेबल में भी है और 25 के टेबल, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। थर्ड पार्ट दिया है 21 जो है ये 1 के टेबल में भी डिविजिबल है और 1 के टेबल में भी, 3 के टेबल में भी, 7 के टेबल में भी, तो ये इसके दो से ज़्यादा फैक्टर है इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। 29 आपको दिया है, तो 29 जो है वो सिर्फ इसके दो फैक्टर है, 1 और 29, इसलिए ये प्राइम नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 40। 20 और 40 के बीच में जो प्राइम नंबर्स हैं हमने वो लिखने हैं। हम स्टार्ट करेंगे 21 से। 21 जो है वो इसके दो से ज़्यादा फैक्टर है, यदि वो 1 और 3 और 7 इन तीनों टेबल्स में और 21 के टेबल में भी डिविजिबल है, इसलिए 21 तो नहीं है। 22 जो है ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके भी दो से ज़्यादा फैक्टर हैं। 23 जो है वो हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं क्योंकि 23 जो है वो 1 के टेबल में भी डिवाइड हो सकता है कम्प्लीटली और 23 के टेबल में भी, इसलिए ये हमारे पास प्राइम नंबर है। 23 के बाद 24 जो है वो कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। 25 जो है वो भी हमारा कंपोजिट नंबर है क्योंकि उसके दो से ज़्यादा फैक्टर हैं। 26 जो है ये भी हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है, उसके भी दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। 27 जो है वो भी उसके भी दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। 28 के भी दो से ज़्यादा फैक्टर है। 29 जो है ये हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं क्योंकि इसके सिर्फ दो फैक्टर है, 1 और इट्स सेल्फ, यानी 29 के टेबल में। इसी तरह 31 जो है वो है और 37 हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 40 एंड 50। 40 और 50 के बीच में जो कंपोजिट नंबर्स हैं हमने वो लिखने हैं, तो स्टार्ट हम करेंगे 41 से। 41 जो है वो हमारे पास कंपोजिट नंबर नहीं है, वो प्राइम नंबर्स हैं, वो प्राइम नंबर हैं, इसलिए यानी जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर होंगे तो उस नंबर्स को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो 42 जो है वो 1 के टेबल में भी डिविजिबल है, 22 के टेबल में भी डिविजिबल है और 4 के टेबल में भी, तो इस वजह से 4 के टेबल में तो नहीं है। 42 जो है वो कंपोजिट नंबर है क्योंकि वो 1 पे भी डिवाइड हो सकता है, 1 के टेबल में भी डिविजिबल है और 2 के टेबल में भी है, 6 के टेबल में भी है, 8 के टेबल में भी है, तो इस वजह से ये 42 जो है कंपोजिट नंबर है। उसके बाद 44 ये भी हमारा कंपोजिट नंबर है,
वन के टेबल में भी डिविजिबल है, 44 के टेबल में भी है, और 22 के टेबल में भी है, और 11 के टेबल में भी है। 45 ये भी हमारा कंपोजिट नंबर है। इसके बाद 46 ये भी कंपोजिट नंबर है, और 48 ये भी हमारा कंपोजिट नंबर है, और 49 ये भी आपका कंपोजिट नंबर है। ये नंबर ऐसे नंबर है जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ। फैक्टर मालूम करने हैं नंबर्स के। अब फर्स्ट पार्ट दिया है 20 के हमने फैक्टर्स मालूम करने हैं। फैक्टर्स का मतलब है कि ये 20 जो है वो कौन से नंबर पे एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो फर्स्ट जो है हम 1 से शुरू करेंगे, तो 1 पे जो है वो 1 पे ये 20 जो है एग्जैक्टली डिविजिबल है। उसके बाद नंबर 2, तो 2 पे भी 20 जो है वो डिविजिबल है, यानी डिवाइड हो सकता है एग्जैक्टली। तो 2 जो है ये भी आपका एक फैक्टर है। उसके बाद 4 जो है, 4 पे भी ये 20, 4 5 20 होता है, तो इस वजह से 4 भी आपका फैक्टर ऑफ 20 है। 5 जो है वो भी फैक्टर ऑफ 20 है, 5 जो है वो 20 को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है। उसके बाद 10 जो है, 10 पे भी ये डिविजिबल है 20, और 20 जो है अपने टेबल पे भी ये हो सकता है। सेकंड पार्ट दिया है 26, फैक्टर ऑफ 26 मालूम करने हैं। अब 1 से स्टार्ट करेंगे, तो 1 पे डिविजिबल है 26, उसके बाद 2 पे भी ये डिविजिबल है, डिवाइड हो सकता है 26, 3 पे जो है ये नॉट डिविजिबल है, तो इस वजह से 3 नहीं लिख सकते, 4 भी नहीं हो सकता, 13 पे होता है और 26 पे होता है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट 3 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। 3 मल्टीपल्स मालूम करने हैं नंबर्स के। फर्स्ट आपको दिया है 7, मल्टीपल्स ऑफ 7 लिखना है। मल्टीपल्स का मतलब है कि 7 का ये जो आपको नंबर दिया है 7, इसका टेबल लिखना है। तो 7 1 7 आता है, 7 2 14 और 7 3 21। सिर्फ 3 जो है मल्टीपल्स रहने, तो 7 14 और 21 आएगा। सेकंड पार्ट दिया है 11, सो मल्टीपल्स ऑफ 11 जो है वो लिखना है, 11 1 11, 11 2 22 और 11 3 33। क्वेश्चन नंबर 6, राइट इवन नंबर्स बिटवीन 50 एंड 70। इवन नंबर्स लिखने हैं 50 और 70 के बीच में जो नंबर्स होते हैं उसमें से आपने सिर्फ इवन नंबर्स लिखने हैं। इवन नंबर्स वो होते हैं जो कि 2 पे एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं, वो नंबर कहलाते हैं इवन नंबर। तो 51 से हम स्टार्ट करेंगे। 51 जो है ये आपका इवन नंबर नहीं है, क्योंकि ये 51 जो है वो 2 पे नॉट डिविजिबल है। 52 जो है ये आपका डिविजिबल है 2 पे, इसलिए ये 52 जो है वो आपका इवन नंबर है। 54 जो है वो भी इवन नंबर है, क्योंकि ये भी 2 पे डिविजिबल है। 56 जो है ये भी डिविजिबल है, 58 ये भी डिविजिबल है, 60 62 64 66 और 68 जो है वो भी डिविजिबल है 2 पे। तो ये जो नंबर्स हमारे पास हैं ये आपके इवन नंबर्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राइट ओड नंबर्स बिटवीन 80 एंड 100। 80 और 100 के बीच में जितने भी ओड नंबर्स हैं हमने वो लिखने हैं। ओड नंबर कौन से होते हैं जो कि 2 पे जो है वो नॉट डिविजिबल होते हैं, वो वाले नंबर्स क्या कहलाते हैं, ओड नंबर कहलाते हैं। फर्स्ट जो है हम 81 से शुरू करेंगे, तो 81 जो है आपका ये ओड नंबर है, क्योंकि ये 2 पे नॉट डिविजिबल है। 83 ये भी जो है आपका डिविजिबल नहीं है 2 पे। 85 ये भी नॉट डिविजिबल है। 87 ये भी डिवाइड नहीं हो सकता है 2 पे। 89 91 93 और 95 97 और 99,
तो ये सारे नंबर जो है वो नंबर है जो कि 2 पे डिविजिबल नहीं है, तो ये ऑड नंबर कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, बाकी जो क्वेश्चन के जितने पार्ट्स हैं आपने खुद उसको सॉल्व करना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। वेलकम डियर क्लास 6 स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस डिविजिबिलिटी रूल्स, पेज नंबर 29, यूनिट नंबर 3, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। टुडे वी विल डिस्कस डिविजिबिलिटी रूल्स। फर्स्ट वी हैव अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ़ इट्स डिजिट एट यूनिट प्लेस इज इवन नंबर। कोई नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 2 तब होगा जब उसका जो लास्ट जो डिजिट है वो आपका इवन नंबर होगा, तो ये नंबर आपका डिविजिबल बाय 2 होगा। फॉर एग्जांपल हमें दिया है कि 72, तो अब 72 में जो लास्ट जो डिजिट है वो इवन नंबर है, 2 है, इवन है, तो इस वजह से 72 जो है ये डिविजिबल बाय 2 होगा। नेक्स्ट एग्जांपल हमें दिया है 114, अब 114 में भी जो लास्ट जो डिजिट है वो 4 है, 4 जो है वो इवन नंबर है, तो ये 114 जो है ये आपका डिविजिबल बाय 2 होगा। नेक्स्ट जो एग्जांपल हमें दिया है वो है 396 दिया है और 518, इन दोनों में भी जो लास्ट जो डिजिट है वो 6 और 8 है और इवन नंबर्स हैं, तो ये दोनों बोथ जो नंबर्स हैं ये डिविजिबल बाय 2 होंगे। नेक्स्ट हमें दिया है अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 3। कोई नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 3 तब होगा जब उसका जो सम है वो डिविजिबल बाय 3 होगा, तो ये नंबर आपका डिविजिबल बाय 3 होगा। फॉर एग्जांपल हमें दिया है कि 621, अब 6, 2 और 1 को प्लस करें 9 आता है, 9 इज़ डिविजिबल बाय 3, तो इसका मतलब है कि ये 621 जो नंबर है ये डिविजिबल बाय 3 होगा। नेक्स्ट जो एग्जांपल हमें दिया है वो 8754 दिया है, अब 8, 7, 5 और 4 को प्लस करेंगे 24 आता है, 24 जो है ये डिविजिबल बाय 3 है, तो इसका मतलब है कि ये 8754 जो है ये डिविजिबल बाय 3 होगा। नेक्स्ट जो हमें दिया है अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4 इफ़ इट्स लास्ट 2 डिजिट्स आर आइदर 0 आर डिविजिबल बाय 4। कोई नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 4 तब होगा जब उसके जो लास्ट जो 2 डिजिट होंगे वो या तो 0 होंगे या वो डिविजिबल बाय 4 होंगे, तो ये नंबर आपका डिविजिबल बाय 4 होगा। फॉर एग्जांपल अब जैसे हमें दिया है 72, तो 72 जो है ये डिविजिबल बाय 2 है, सॉरी डिविजिबल बाय 4 है, तो ये जो 72 है ये डिविजिबल बाय 4 होगा। नेक्स्ट एग्जांपल हमें दिया है कि 114 दिया है, अब 14 जो है ये डिविजिबल बाय 4 है, तो ये 114 जो है ये डिविजिबल बाय 4 होगा। नेक्स्ट जो एग्जांपल दिया है वो है 396 दिया है, अब 96 जो है ये आपका डिविजिबल बाय 4 है, तो इसका मतलब है कि ये 396 जो है ये डिविजिबल बाय 4 होगा। नेक्स्ट जो हमें दिया है नंबर वो है अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5 इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ आइदर 5 और 0। कोई नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 5 तब होगा जब उसका जो लास्ट जो डिजिट है वो या तो 5 हो या 0 हो। फॉर एग्जांपल अब जैसे हमें दिया है 735, अब 735 में जो लास्ट जो डिजिट है वो 5 है, तो ये नंबर क्या है, ये 735 जो है ये डिविजिबल बाय 5 होगा। नेक्स्ट जो एग्जांपल हमें दिया है वो है 1905 दिया है, अब इसमें भी जो लास्ट जो डिजिट है वो 5 है, तो ये आपका ये नंबर जो है ये डिविजिबल बाय 5 होगा। नेक्स्ट एग्जांपल हमें दिया है कि 9370 दिया है, अब इसमें भी जो लास्ट जो डिजिट है वो 0 है, तो ये 0 जब आ जाता है तो इसका मतलब है ये नंबर जो है ये आपका डिविजिबल बाय 5 होगा, तो 9370 जो है ये डिविजिबल बाय 5 है। नेक्स्ट जो हमें नंबर दिया है अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6 इफ़ इट्स डिविजिबल बाय 2 एंड इट इज़ डिविजिबल बाय 3। कोई नंबर आपको दिया है अगर वो डिविजिबल बाय 2 होगा और 3 पे भी होगा, तो इसका मतलब है ये नंबर आपका डिविजिबल बाय 6 होगा। अब एग्जांपल जैसे हमें दिया है कि 72, अब 72 जो है इसमें जो लास्ट जो डिजिट है वो 2 है, इवन नंबर है, तो ये नंबर डिविजिबल बाय 2 है,
इसी तरह 7 और 2 को प्लस करें 9 आता है, 9 जो है वो डिविजिबल बाय 3 है, तो इसका मतलब है ये नंबर आपका डिविजिबल बाय 3 हो गया, तो 72 जो है ये डिविजिबल बाय 6 है, यानी कोई नंबर जो है वो 2 पे भी डिवाइड होगा और 3 पे भी डिवाइड होगा, तो ये नंबर आपका 6 पे भी डिवाइड हो सकता है। अब नेक्स्ट जो हमें दिया है वो है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द लास्ट 3 डिजिट्स आर 0 आर डिविजिबल बाय 8। कोई नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 8 तब होगा जब उसके जो लास्ट जो 3 नंबर्स हैं वो या तो 0 हैं होंगे या वो डिविजिबल बाय 8 होंगे, तो ये नंबर आपका डिविजिबल बाय 8 होगा। अब जैसे एग्जांपल हमें दिया है कि 3040 दिया है, अब जो 40 जो है ये डिविजिबल बाय 8 है, तो इसका मतलब है ये 3040 जो है ये डिविजिबल बाय 8 होगा। नेक्स्ट जो एग्जांपल दिया है वो है 15008 दिया है, अब 8 जो है वो भी डिविजिबल बाय 8 है, तो इसका मतलब है कि ये 15008 जो है ये डिविजिबल बाय 8 होगा। नेक्स्ट हमें दिया है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। अगर कोई नंबर आपको दिया है वो नंबर जो है डिविजिबल बाय 9 तब होगा जब उसका जो सम है वो डिविजिबल बाय 9 होगा, तो ये नंबर आपका डिविजिबल बाय 9 होगा। अब फॉर एग्जांपल हमें दिया है कि 55008 दिया है, अब आपने 5 और 8 को प्लस करें तो जो है आपका 18 आता है, 18 जो है ये डिविजिबल बाय 9 है, तो ये इसका मतलब है ये 55008 जो है ये डिविजिबल बाय 9 होगा। नेक्स्ट हमें दिया है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ द लास्ट डिजिट इज 0। कोई नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 10 तब होगा जब उसका जो लास्ट जो नंबर है वो 0 होगा, तो ये नंबर आपका डिविजिबल बाय 10 होगा। फॉर एग्जांपल अब जैसे हमें दिया है 440 दिया है, तो लास्ट में जो डिजिट है वो 0 है, तो इसका मतलब है ये नंबर आपका डिविजिबल बाय 10 है। नेक्स्ट एग्जांपल हमें दिया है 7650 दिया है, अब इसमें भी जो लास्ट जो नंबर है वो 0 है, तो 7650 जो है ये डिविजिबल बाय 10 होगा। नेक्स्ट हमें दिया है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स इन द ऑड प्लेसेस एंड द सम ऑफ द डिजिट्स इन द इवन प्लेसेस इज आइदर 0 आर डिविजिबल बाय 11। कोई नंबर जो है वो 11 पे तब डिविजिबल होगा जब उसके ऑड नंबर पे जो ऑड प्लेसेस पे जो नंबर है वो उनका प्लस करें और जो इवन प्लेसेस पे जो नंबर है उनको प्लस करें और फिर उनको माइनस कर दे, तो अगर वो नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 11 होगा या वो 0 आ जाए या वो नंबर 11 पे डिविजिबल है, तो इसका मतलब है ये नंबर आपका डिविजिबल बाय 11 होगा। फॉर एग्जांपल अब जैसे हमें दिया है 5247, अब पहले ऑड वाले प्लेसेस पे जो नंबर है 5 और 4 इनको प्लस करें तो 9 आता है, इसी तरह इवन प्लेसेस पे जो नंबर है 2 और 7 है, तो 2 और 7 को प्लस करें 9 आते हैं, अब 9 से 9 माइनस करें तो 0 आता है, तो 0 जब आ जाता है तो इसका मतलब है ये डिविजिबल बाय 11 होगा। नेक्स्ट जो हमें एग्जांपल दिया है वो है 6314 दिया है, अब आपने जो ऑड प्लेसेस पे जो नंबर से उनको प्लस करें, 6 और 1 को प्लस करें 7 आता है, और इवन प्लेसेस पे जो नंबर है उनको प्लस करें 3 और 4 को प्लस करें 7 आता है, अब 7 में से 7 माइनस करें तो 0 आता है, तो ये भी डिविजिबल बाय 11 होगा। नेक्स्ट जो हमें दिया है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12 इफ सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3 एंड लास्ट 2 डिजिट्स आर आइदर 0 आर डिविजिबल बाय 4। यानी कोई नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 3 होगा और 4 पे भी वो नंबर डिविजिबल है, तो इसका मतलब है ये नंबर आपका डिविजिबल बाय 12 भी होगा। फॉर एग्जांपल हमें दिया है 4524 दिया है, अब 4, 5, 2 और 4 को प्लस करें 15 आता है, 15 जो है वो डिविजिबल बाय 3 है। अब जो है 4524 जो है उसमें जो लास्ट जो दो डिजिट है वो 24 है, 24 जो है ये डिविजिबल बाय 12 है, तो इसका मतलब ये नंबर आपका डिविजिबल बाय 3 है और
4 पे भी ये डिविजिबल है, इसका मतलब है ये नंबर जो है ये आपका डिविजिबल बाय 12 भी होगा, यानी 4524 जो है ये आपका डिविजिबल बाय 12 है बी है। नेक्स्ट हमें दिया है 15, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 15 इफ़ सम ऑफ द डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 3 एंड लास्ट डिजिट इज़ आइदर 0 और 5। कोई नंबर अगर आपका कोई नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 3 होगा तो इसका मतलब है वो नंबर आपका डिविजिबल बाय 15 भी होगा, और या अगर वो नंबर जो है उसका जो लास्ट जो डिजिट है वो 0 हो या 5 हो तो ये नंबर भी आपका डिविजिबल बाय 15 होगा। अब फॉर एग्जांपल हमें दिया है 4524 दिया है, अब 4, 5, 2 और 4 को प्लस करें 15 आता है, 15 जो है वो 3 पे डिविजिबल है, तो ये एग्जांपल जो दिया है 4524 ये आपका डिविजिबल बाय 15 होगा। नेक्स्ट जो हमें दिया है अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 25 इफ़ द लास्ट टू डिजिट आर आइदर 0 आर डिविजिबल बाय 25। अगर कोई नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 25 तब होगा जब उसके जो लास्ट जो दो डिजिट है वो या तो 0 हो या 25 हो, तो ये नंबर आपका डिविजिबल बाय 25 होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमें दिया है 4525, अब इसके जो लास्ट जो दो डिजिट है वो 25 है तो इसका मतलब है 4525 जो है ये डिविजिबल बाय 25 होगा। नेक्स्ट हमें दिया है 271,800 दिया है, अब इसके जो लास्ट जो दो डिजिट है वो 0 है तो ये नंबर आपका डिविजिबल बाय 25 होगा। Let's solve the exercise number 3.2, page number 31. Question number 1. Using the test of divisibility, find out which of the following numbers are divisible by 2, 3, 4 and 5. Check karna hai ki jo numbers hame diye hain, ye divisible by 2, 3, 4 or 5 pe hai ya nahi. First part diya hai ki 532. 532 is divisible by 2 because the digit at unit place is even. 532 जो है ये divisible by 2 है क्योंकि इसका जो लास्ट जो डिजिट है वो even number है और even number जो है ये divisible by 2 है, तो इस वजह से 532 जो number है ये divisible by 2 होगा। नेक्स्ट हमें दिया है कि 532 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3 बिकॉज द सम ऑफ द डिजिट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। 532 जो है ये नंबर ये डिविजिबल बाय 3 नहीं है क्योंकि जो इसका जो सम आता है जो नंबर्स का जो सम आता है वो 10 है और 10 जो है नॉट डिविजिबल बाय 3 है, तो इस वजह से ये नंबर जो है ये आपका डिविजिबल बाय 3 नहीं है। नेक्स्ट हमें दिया है कि 532 इज़ डिविजिबल बाय 4 बिकॉज द लास्ट टू डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 4। 532 जो है ये नंबर ये डिविजिबल बाय 4 है क्योंकि जो लास्ट जो दो डिजिट है ये डिविजिबल बाय 4 है, तो इस वजह से ये 532 जो है ये डिविजिबल बाय 4 पे भी है। नेक्स्ट हमें दिया है कि 532 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5 बिकॉज द लास्ट डिजिट इज़ नॉट 0 और 5। 532 जो है ये डिविजिबल बाय 5 नहीं है क्योंकि उसका जो लास्ट जो डिजिट है वो 0 भी नहीं है और 5 भी नहीं है, तो इस वजह से ये नंबर जो है ये डिविजिबल बाय 5 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2। यूजिंग द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6, 9, 10 एंड 8। चेक करना है ये नंबर डिविजिबल बाय 6, 9, 10 और 8 पे है या नहीं। अब फर्स्ट पार्ट ये है कि 423, अब 423 हमने बताने हैं कि ये नंबर्स पे डिविजिबल है या नहीं। 423 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6 बिकॉज द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज नॉट इवन, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 बट सम ऑफ द डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 3। जो ये नंबर है ये नॉट डिविजिबल बाय 6 है क्योंकि ये 2 पे डिविजिबल नहीं है और 3 पे डिविजिबल है, तो इस वजह से ये 6 पे डिविजिबल नहीं है। 6 पे डिविजिबल तब होगा अगर ये नंबर जो है ये 2 पे डिविजिबल हो और 3 पे डिविजिबल हो। 2 पे डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसका जो लास्ट जो डिजिट है वो इवन नहीं है, तो ये 2 पे डिविजिबल नहीं है और इस वजह से ये 6 पे डिविजिबल नहीं है।
नेक्स्ट दिया है कि 423 इज़ डिविजिबल बाय 9 बिकॉज द सम ऑफ द डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 9। 423 जो है ये डिविजिबल बाय 9 है क्योंकि इसका जो सम आता है वो 9 है, 9 जो है वो 9 पे डिविजिबल है, इस वजह से 423 जो है ये डिविजिबल बाय 9 है। 423 इज नॉट डिविजिबल बाय 10 बिकॉज द डिजिट द लास्ट डिजिट इज नॉट 0। 423 जो ये नंबर है ये नॉट डिविजिबल बाय 10 है क्योंकि इसका जो लास्ट जो डिजिट है वो 0 नहीं है, अगर 0 होगा तो तब ये डिविजिबल बाय 10 है, लेकिन यहाँ पे जो नंबर है वो 0 नहीं है, इस वजह से 423 जो नंबर है ये नॉट डिविजिबल बाय 10 है। 423 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। 423 जो है वो डिविजिबल बाय 8 नहीं है बिकॉज द लास्ट डिजिट आर नॉट डिविजिबल बाय 8, इसके जो लास्ट जो डिजिट्स है वो डिविजिबल बाय 8 नहीं है, इस वजह से ये डिविजिबल बाय ये नंबर जो है ये डिविजिबल बाय 8 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11, 12, 15 एंड 25। चेक करना है जो नंबर्स हमें दिए हैं ये डिविजिबल बाय 11, 12, 15 एंड 25 है या नहीं। फर्स्ट दिया है कि 756 इज नॉट डिविजिबल बाय 11 बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट इन द ओड प्लेसेस एंड द सम ऑफ द डिजिट इन द इवन प्लेसेस इज नॉट डिविजिबल बाय 11। ये जो नंबर दिया है जो ओड प्लेसेस पे जो नंबर है वो है 7 और 6 है, 7 और 6 को ऐड करें 13 आता है, और इवन प्लेसेस पे जो नंबर है वो है 5 और 0 है, तो 5 और 0 को प्लस करें 5 आता है, आप 13 में से 5 माइनस करें तो 8 आता है, अब 8 जो है ये नॉट डिविजिबल बाय 11 है, तो इस वजह से 756 जो है ये नंबर ये नॉट डिविजिबल बाय 11 है। नेक्स्ट यह है कि जो डिजिट है उनको प्लस करें 7, 5 और 6, 18 आता है, द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3 एंड द लास्ट टू डिजिट इज डिविजिबल बाय 4, सो 756 इज डिविजिबल बाय 12। ये जो सम ऑफ द डिजिट है ये डिविजिबल बाय 2 है और जो इसके जो लास्ट जो दो डिजिट है 56 ये डिविजिबल बाय 4 है, ये नंबर जो है ये डिविजिबल बाय 3 भी है और 4 भी है, तो इस वजह से 756 जो है ये डिविजिबल बाय 12 है। नेक्स्ट ये कि 756 इज नॉट डिविजिबल बाय 15 बिकॉज द लास्ट डिजिट इज नॉट 0 और 5। 756 जो है ये डिविजिबल बाय 15 नहीं है क्योंकि जो लास्ट जो डिजिट है वो 0 भी नहीं है और 5 भी नहीं है, 0 और 5 नहीं है, तो इस वजह से ये नॉट डिविजिबल बाय 15 है, अगर लास्ट जो डिजिट है वो अगर 0 होता या 5 होता तो तब आपका डिविजिबल बाय 15 होगा, लेकिन 0 और 5 नहीं, इस वजह से ये नॉट डिविजिबल बाय 15 है। नेक्स्ट दिया है कि 756 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 25 बिकॉज द लास्ट टू डिजिट इज़ नॉट 0 और 25। 756 जो है ये डिविजिबल बाय 25 नहीं है क्योंकि इसके जो लास्ट दो डिजिट है वो 0 भी नहीं है और 25 भी नहीं है, तो इस वजह से 756 ये जो नंबर है ये नॉट डिविजिबल बाय 25 है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन के जो बाकी पार्ट्स हैं वो आपने खुद उसकी प्रैक्टिस करनी है, रूल्स को फॉलो करना है और उसको सॉल्व करें। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम डियर क्लास 6 स्टूडेंट, टुडे वी विल सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 3.3 पेज नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6। प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम करनी है 6 की, फर्स्ट हमें दिया है 6, तो 6 को 6 के हम फैक्टराइजेशन मालूम करते हैं, यानी 6 जो है वो इवन नंबर है, तो सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट जो नंबर है उसमें देखेंगे, तो 2 जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर है, तो पहले हम 2 पे इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 3 ज़ा 6 आता है, जैसे 3 जो है वो 3 के टेबल में डिवाइड करेंगे, तो 3 1 ज़ा 3। अब 6 के जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स है वो कौन से नंबर है, 2 और 3 है। नेक्स्ट पार्ट दिया है 140, अब 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम करनी है, तो 140 जो है वो हमारे पास इवन नंबर है,
तो ये भी सबसे पहले हम टू स्मॉलेस्ट जो नंबर होगा उसमें मालूम करेंगे। तो टू जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर है, इस वजह से टू पे हम डिवाइड करेंगे इसको। तो 270 जा 140 आता है। अब 70 जो है ये भी इवन नंबर है, अगेन टू पे डिवाइड होगा, तो 235 जा 70 आता है। अब 35 जो है ये आपका ओड नंबर है, तो ओड जो है वो ओड नंबर है, और तो इस वजह से हम पहले 3 में करेंगे, तो 3 में ये 35 जो है डिविजिबल नहीं है। अब हम नेक्स्ट जो नंबर है वो उसमें देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है 5, अब 5 पे हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 5 7 ज़ा 35। अब 7 जो है ये आपका सिर्फ 7 के टेबल में आता है, तो 7 1 ज़ा 7। अब 140 के जो है वो प्राइम फैक्टर्स हम लिखेंगे, तो हमारे पास कौन से नंबर है, 2 × 2 × 5 × 7। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन इन इंडेक्स फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम करनी है और फिर इनको जो है वो इंडेक्स फॉर्म में चेंज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 144, तो सबसे पहले हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम करेंगे। 144 पहले लिखेंगे। अब 144 जो है वो इवन नंबर है, तो सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर है वो 2 है, तो उस पर डिवाइड करेंगे। 144 जो है वो 2 पे डिविजिबल है, तो 2 7 ज़ा 14 और 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। अब जो है 72 आ गए, तो 72 जो है ये भी इवन नंबर है, ये भी 2 पे डिविजिबल है, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 6 ज़ा 12 आएगा। अब 36 ये भी इवन नंबर है, ये भी 2 पे डिविजिबल है, 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16, क्योंकि अब 18 भी जो है वो 2 पे डिविजिबल है, तो दोबारा हम 2 पे करेंगे, 2 9 ज़ा 18। अब 9 जो है वो 2 ये 2 पे डिविजिबल नहीं है, तो हम नेक्स्ट जो नंबर है उस पे जाएंगे, प्राइम नंबर पे। तो 3 ये 9 जो है वो ऑड नंबर है, तो 3 पे ये डिविजिबल है, तो 3 पे हम डिवाइड करेंगे, 3 3 ज़ा 9। अब 3 जो है वो 3 के टेबल में डिविजिबल है, तो 3 1 ज़ा 3। अब 144 के जो प्राइम नंबर्स हैं वो हम लिखेंगे। हमारे पास कौन कौन से हैं नंबर्स, जितने नंबर्स हैं वो लिखने हैं, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। अब इसको इंडेक्स फॉर्म में चेंज करना है, इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे। इंडेक्स फॉर्म का मतलब है कि इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज कर दें, यानी 2 जो है वो हमारे पास कितने टाइम कितनी मरतबा है, 1 2 3 4, तो 2 के ऊपर 4 लिख दें कि 4 हमारे पास 2 जो है वो 4 टाइम्स है। और इसी तरह 3 को भी लिखना है, तो 3 हमारे पास के 2 टाइम है, तो हम इसके ऊपर 2 लिख देंगे, इसको इंडेक्स फॉर्म कहते हैं। अब जो है 3600 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे, तो 2 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16, और ये 2 0 नीचे आ जाएंगे। अब दोबारा 2 पे डिविजिबल है ये, तो 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 9 ज़ा 18। अब 900 आ गए, अब 900 जो है वो 2 पे डिविजिबल है, 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10, तो 0 आ जाएगा। अगेन 450 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10 आ गया। अब 225 जो है ये आपके पास ऑड नंबर है, तो हम जो है वो 3 पे डिवाइड करेंगे, तो ये 225 जो है 3 पे डिविजिबल है, तो 3 पे डिवाइड करेंगे, 2 7 ज़ा 21 और सॉरी 3 7 ज़ा 21 और 3 3 5 ज़ा 15। अब 75 को जो है वो हम डिवाइड करेंगे 3 पे, 3 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15। अब 25 जो है वो सिर्फ 5 के टेबल में आता है, यानी 5 पे डिविजिबल है, तो 5 5 5 ज़ा 25।
और 5 × 5 तो हमारे पास जो 3600 के जो प्राइम नंबर्स है वो हमने लिखने हैं। तो 2 हमारे पास 4 टाइम है, तो 4 टाइम लिखेंगे हम, और 3 हमारे पास 3 टाइम है। अब 5 लिखेंगे। अब इंडेक्स फॉर्म में इनको लिखेंगे तो 2 और 2 जो है हमारे पास 4 टाइम है, तो 4 2 के ऊपर 4 लिख देंगे। इसी तरह 3 जो है वो 2 टाइम है, तो 2 के ऊपर 3 के ऊपर 2 लिख देंगे। 5 भी हमारे पास 2 टाइम है, तो 2 लिख देंगे। इसको इंडेक्स फॉर्म कहते हैं। एक्सरसाइज 3.4 पेज नंबर 35 क्वेश्चन नंबर 1 राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडेक्स फॉर्म। जो नीचे क्वेश्चंस दिए हैं इसको इंडेक्स फॉर्म में चेंज करना है। इंडेक्स फॉर्म का मतलब है एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करना है। अब जो 2 है उसको हम लिखेंगे और 3 जो है वो लिख देंगे। इसी तरह 7 जो है हम फिर उसके बाद 5 लिख देंगे, और 7 जो है हमारे पास 2 टाइम है, तो इसके ऊपर 2 लिख देंगे। यानी 7 हमारे पास 2 टाइम है और बाकी जो नंबर्स हैं वो 1 टाइम है। सेकेंड पार्ट दिया है, अब इसको भी एक्सपोनेंटल फॉर्म में चेंज करना है। अब 2 जो है हमारे पास 2 टाइम है, तो इस वजह से इसके ऊपर 2 लिख देंगे। 3 जो है वो हमारे पास 1 टाइम है, तो 1 टाइम लिखेंगे। 5 जो है वो हमारे पास 2 टाइम है, तो इस वजह से 5 के ऊपर 2 लिख देंगे। इसी तरह 7 जो है वो भी हमारे पास 2 टाइम है, तो इसको उसके ऊपर भी 2 लिख देंगे। और 11 हमारे पास 1 टाइम है, तो 1 टाइम लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। HCF मालूम करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फर्स्ट हमने पार्ट 1 हमें दिया है 30 और 45, तो पहले हम 30 के प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम करते हैं। तो 30 जो है वो इवन नंबर है, तो पहले 2 पे ये डिविजिबल है, तो 2 पे करेंगे। 2 1 2 और 2 5 10। अब 15 जो है वो आपके पास ऑड नंबर है और ये 2 पे डिविजिबल नहीं है, तो हम 3 पे डिवाइड करेंगे। तो 3 5 15, 5 1 5 आ जाएगा। इसी तरह अब 45 के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम करनी है। 45 जो है वो ऑड नंबर है, ये 2 पे डिविजिबल नहीं है, 3 पे हम करेंगे। 3 1 3 और 3 5 15। अगेन 15 जो है वो ऑड नंबर है, तो 3 पे ये डिवाइड होगा, तो 3 5 15। 5 जो है वो 5 के टेबल पे होगा, तो 5 1 5। अब हमने जो है वो 30 के प्राइम नंबर्स लिखने हैं। 2 है हमारे पास, 3 और 5 है। इसी तरह 45 के जो प्राइम नंबर्स है वो हमारे पास है 3 × 3 × 5। अब हमने जो है वो कॉमन जो नंबर्स है उनको सर्कल करना है। 30 और 45 में जो कॉमन नंबर्स हैं, एक 30 है, तो ये इनको सर्कल करेंगे, और दूसरा हमारे पास 5 है। अब HCF मालूम करेंगे। हाँ, तो अब जो सर्कल किए हैं उनको लिखेंगे 1 टाइम, तो 3 × 5। अब 3 को जो है वो 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो 3 5 15। तो HCF हमारा क्या आ गया है, 15। नेक्स्ट हमारे पास है 45 और 105 नंबर दिया है, इसको सॉल्व करना है। अब 45 के पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 45 जो है वो ऑड नंबर है, 3 पे डिविजिबल है, तो 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 3 1 3 3 5 15। अगेन 3 पे 3 5 15। अब 5 जो है 5 पे ही डिवाइड होगा, तो 5 1 5। अब 108 को जो है वो डिवाइड करेंगे। 108 जो है वो आपके पास इवन नंबर है, तो ये 2 पे डिविजिबल है, तो 2 पे हम डिवाइड करेंगे। 2 अब 2 पे हम इसको डिवाइड करें, 2 5 15 और 2 4 8 आता है। 54 जो है वो इवन नंबर है, तो 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 2 2 4 और 2 7 14।
अब 27 जो है वो 2 पे डिविजिबल नहीं है, 3 पे करेंगे। तो 3 3 3 9 27 आता है। अब 3 जो है वो और नंबर है, तो अगेन 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 3 9। अब ये 3 जो है वो 1 पे होगा। अब हमने जो 45 है उसके प्राइम नंबर्स लिखते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसी तरह 108 जो है उसके प्राइम नंबर्स लिखते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब जो कॉमन नंबर्स हैं दोनों में 45 और 108 में है, तो उनको हम सर्कल करेंगे ऐसे, तो 3 को 3 के साथ। अब हमने HCF मालूम करना है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। तो अब 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है। HCF हमारा क्या है, 9। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपने जो इस एक्सरसाइज के और जो प्रीवियस एक्सरसाइज है उसमें जितने क्वेश्चन है, उसमें जितने पार्ट्स है, आपने खुद उसको सॉल्व करना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 6 स्टूडेंट, टुडे वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 3.5 पेज नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाई डिविजन मैथड। डिवीजन मेथड के थ्रू हमने HCF मालूम करना है। फर्स्ट पार्ट दिया है कि 36 और 96 दिए हैं। 36 जो है वो स्मॉल है और 96 जो है वो बिग है, तो 36 जो है ये आपका डिवाइजर है और 96 जो है ये आपका डिविडेंड है, यानी 36 को हम बाहर लिखेंगे और 96 को अंदर लिखेंगे। अब 36 को पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो 36 को जब 1 के साथ करेंगे 36 आता है, और 36 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आता है। तो 72 जो है वो हम माइनस करेंगे 96 से। अब 6 में से 2 माइनस करें तो 4 आता है, 9 में से 7 माइनस करें तो 2 आता है, आपका जो रिमाइंडर है वो 24 है। अब 36 जो है ये आपका डिविडेंड होगा और 24 जो है ये डिवाइजर होगा। अब 24 को 1 के साथ करें तो 24 आता है, 24 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आता है, तो 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। अब 36 से 24 माइनस करेंगे, 6 में से 4 माइनस करें तो 2 आता है, और 3 में से 2 माइनस करें तो 1 आएगा। अब आपका जो रिमाइंडर है वो 12 है। अब 24 जो है ये आपका डिविडेंड होगा और 12 जो है ये आपका डिवाइज़र है। 12 को 1 के साथ करें तो 12 आता है, 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आता है, जो कि ख़त्म हो जाता है हमारा ये क्वेश्चन। अब HCF जो है वो हमारा क्या आएगा, HCF ऑफ 36 एंड 96 इज़, जिस नंबर पे ये ख़त्म हो रहा है 24, वो जो डिवाइज़र है वो लिखना है, वो आपका HCF होता है। तो 12 आपका क्या है, वो HCF है। तो HCF ऑफ 36 एंड 96 इज़ 12। अब आपके पास अगर 3 नंबर्स दिए हैं तो उसमें HCF कैसे मालूम करेंगे, तो फर्स्ट हम पहले 350 को जो है वो 560 के साथ डिवाइड करेंगे, यानी 350 आपका डिवाइज़र होगा और 560 ये आपका डिविडेंड है। अब 350 के साथ 1 मल्टीप्लाई करें तो 350 आता है, जो कि 560 से स्मॉल है। अब 0 में से 0 करें तो 0 आता है, 6 में से 5 माइनस करें 1 आ जाएगा, और 5 में से 3 माइनस करें तो 2 आ जाएगा, तो आपका रिमाइंडर क्या आ गया है, 210 आ गया। अब ये 350 आपका ये डिविडेंड होगा और 210 जो है ये आपका डिवाइज़र है। अब 210 के साथ 1 मल्टीप्लाई करें तो 210 आ जाएगा। अब 0 में से 0 माइनस करें तो 0 आएगा, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा आपका। अब 140 ये आपका रिमाइंडर है। अब 210 जो है ये आपका डिविडेंड होगा
और 140 आपका डिवाइज़र होगा। अब 140 के साथ हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आ जाएगा। अब ये माइनस करेंगे 210 से। अब 0 में से 0 करें तो 0 आएगा, 1 में से 4 माइनस नहीं हो सकता, तो हम 2 में से एक नंबर लेके वो 1 को दे देंगे, ये 11 हो जाएगा और यहाँ पे 1 रह जाएगा। अब 11 में से 4 माइनस करें तो 7 आ जाएगा, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, मतलब 0 आता है। अब 140 जो है ये आपका डिविडेंड होगा और 70 आपका डिवाइज़र होगा। अब 70 को 1 के साथ करें तो 70 आता है, 70 को 2 के साथ करेंगे तो 140 आता है, जो कि ये हमारे आंसर को ख़त्म कर रहा है, ये इसको डिवाइड कर रहा है। अब ये 70 जो है ये आपका डिवाइज़र होगा और ये 420 जो है आपका डिविडेंड होगा। अब इसको हम ख़त्म करेंगे इस पे, तो 71 ज़ा 70 आता है, 72 ज़ा 140 आता है, 76 ज़ा जो है वो आपका 420 आता है, जो कि क्या हो रहा है, ये इसको ख़त्म कर रहा है 420 को ही। तो आपका HCF ऑफ 350, 420 एंड 560 इज 70। यहाँ पे भी इसको भी 140 को भी ख़त्म कर रहे हैं और 70 जो है 420 को भी ख़त्म कर रहे हैं, तो HCF हमारा क्या आता है 70। डियर स्टूडेंट्स, बाकी जो इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसमें जितने पार्ट्स हैं आपने खुद उसको सॉल्व करना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़। वेलकम डियर क्लास 6 स्टूडेंट, टुडे वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 3.6 पेज नंबर 39 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। एलसीएम मालूम करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन फैक्टर। फर्स्ट इसमें पार्ट दिया है कि हमने 6 और 8 जो है वो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम 6 के जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। यह 6 जो है वो हमारे पास इवन नंबर है और जो स्मॉलेस्ट हमारे पास जो इवन नंबर है वो 2 है, तो ये 2 पे हम डिवाइड करेंगे पहले। तो ये 2 जो है 6 जो है वो 2 पे डिविजिबल है, 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा। अब 3 जो है वो ऑड नंबर है और ये 2 पे डिविजिबल नहीं है, तो अब हम 3 पे डिवाइड करेंगे इसको, तो 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा। इसी तरह अब 8 को इसके 8 के जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 8 जो है वो हमारे पास इवन नंबर है, 2 पे डिविजिबल है, तो सबसे पहले हम 2 पे ही डिवाइड करेंगे इसको, तो 2 4 ज़ा 8 आता है। अब 4 जो है ये 2 पे डिविजिबल है, तो 2 पे हम डिवाइड करेंगे इसको, तो 2 2 ज़ा 4 आता है। अब अगेन 2 जो है वो 2 पे डिविजिबल है, तो 2 1 ज़ा 2। अब 6 के जो प्राइम नंबर्स हैं जो प्राइम वो लिखने हैं 2 इंटू 3, और 8 के जो प्राइम नंबर्स हैं वो हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। अब एलसीएम मालूम करेंगे। अब 6 और 8 में जो कॉमन नंबर्स हैं उसको सर्कल करेंगे, 2 जो है वो दोनों में कॉमन है तो सर्कल कर दें। अब अपने जो सर्कल किए उसको 1 टाइम लिखेंगे और जो बाकी नंबर्स हैं एलसीएम में जो बाकी नंबर भी जो रह जाते हैं वो भी आपने लिखने होते हैं, तो यानी 2 इन 2 इंटू 2, ये एक 2 जो है इन दोनों का हो जाएगा और ये जो बाकी 2 है ये हमने लिखने हैं, और ये 3 जो रह गया है ये भी लिखेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले 2 को 2 के साथ करें तो 2 2 ज़ा 4 आता है। अब 4 को जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आता है, और 8 को फिर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आता है, तो हमारा एलसीएम क्या आएगा 24 आता है। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया है 8, 12 और 20 दिया है। जब आपके पास 3 नंबर्स होते हैं तो उसमें हम एलसीएम मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हमने तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, तो सबसे पहले 8 के जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम करते हैं। अब 8 जो है वो आपका इवन नंबर है, 2 पे डिविजिबल है, तो सबसे पहले हम 2 पे इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 4 ज़ा 8 आ जाएगा। अब 4 अगेन 2 पे डिविजिबल है, तो 2 पे ही डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा।
अब टू अगेन टू पे डिविजिबल है तो टू वन सा टू आ जाएगा। अब 12 जो है वो भी इवन नंबर है और 2 पे डिविजिबल है, तो इस वजह से 2 पे ही ये डिविजिबल होगा, तो 2 6 जा 12 आ जाएगा। अब 6 जो है वो अगेन 2 पे डिविजिबल है, तो अब हम 2 पे डिवाइड करेंगे इसको, 2 3 जा 6 आ जाएगा। अब 3 जो है ये आपके पास ओड नंबर है और जो है 2 पे डिविजिबल नहीं है, तो हम 3 पे इसको डिवाइड करेंगे, यानी 3 1 जा 3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमें नंबर दिया है 20, अब 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम करें। 20 जो है वो भी इवन नंबर है, 2 पे डिविजिबल है, तो 2 पे हम डिवाइड करेंगे, 2 10 सा 20 आ जाएगा। अब 10 जो है ये भी इवन नंबर है, 2 पे डिविजिबल है, अगेन डिवाइडेड बाय 2 2 5 सा 10 आ जाएगा। अब 5 जो है ये आपका ओड नंबर है और 2 पे डिविजिबल नहीं है, अब 5 जो है सिर्फ 5 के टेबल पे ही डिवाइड हो सकता है, तो 5 1 जा 5 आ जाएगा। अब 8 के जो प्राइम नंबर्स हैं हमने वो लिखने हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब जो 12 है उसके प्राइम नंबर्स लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब 20 के जो प्राइम नंबर्स हैं हम वो लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5। अब जो तीनों नंबर्स है उसमें जो कॉमन नंबर होंगे वो सर्कल करें, यानी 2 जो है ये तीनों में कॉमन है, अगेन 2 दोबारा तीनों में कॉमन है, उसको सर्कल कर लेंगे। अब एलसीएम जो है वो मालूम करेंगे। अब जो तीनों नंबर में जो कॉमन नंबर से उसको आपने 1 टाइम लिखना है, यानी जो सर्कल आपने किया उसको आपने 1 टाइम लिखना है, और जो बाकी जो नंबर्स रह गए हैं वो भी आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी पहले हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई 3 एंड देन मल्टीप्लाई 5। अब सबसे पहले 2 को हम 2 के साथ करेंगे तो 4 आता है, 4 को 2 के साथ करेंगे तो 8 आता है, 8 को फिर 3 के साथ करेंगे तो 24 आता है, 24 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे। अब 24 को फिर 24 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 24 जो है अब 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 5 4 जा 20 10 और ये 120 आ जाएगा। तो आपका एलसीएम जो है वो 120 आ गया है। अब जो इस क्वेश्चन के जो बाकी पार्ट्स हैं वो आपने खुद उसको सॉल्व भी करना है, उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। अल्लाह हाफिज़। Assalamualaikum, dear class 6 student, today we will solve exercise number 3.7, page number 40. Question number 1, find the LCM by division method. In this exercise, we will find the LCM by division method. So first we have 16, 20 and 30. So 16 or 20 or 30 ko jo hai wo hum pehle divide karenge, smallest jo number hai us pe. तो स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो 2 है, और ये 16, 20 और 30 इवन नंबर है, तो ये 2 पे डिविजिबल है, तो 2 8 ज़ा 16 आ जाएगा, और 2 10 ज़ा 20 हो जाएगा, 2 15 ज़ा 30 आता है। अब अगेन 8 और 10 जो है वो 2 पे डिविजिबल है, तो 2 पे ही करेंगे, 2 4 ज़ा 8 और 2 5 जा 10। अब हम दोबारा अगेन 2 पे ही करेंगे, क्योंकि 4 जो है वो डिविजिबल है 2 पे, तो 2 2 जा फिर वही 5 आ जाएगा, और 15 इसी तरह आ जाएगा, क्योंकि ये 2 पे डिविजिबल नहीं है, तो 5 और 15 हम इसी तरह उतार लेंगे। अब 2 पे दोबारा अगेन 2 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 1 जा 2 आता है, 5 नहीं आता उसी तरह उतारे, 15 भी नहीं आता, डिविजिबल नहीं है 15, और 5 जो है वो डिविजिबल नहीं है 2 पे। अब 5 और 15 जो है ये आपने डिवाइड करना है, तो 15 3 पे हो सकता है, तो स्मॉलेस्ट नंबर पे पहले हम करेंगे, तो ये इसी तरह आ जाएगा 1, 5 भी इसी तरह, और 3 5 जा 15 हो जाएगा। अब 5 और 5 रह गए, अब 5 और 5 जो है वो 5 के टेबल पे ही डिविजिबल है, तो 5 1 सा ये 1 इसी तरह आ जाएगा, 5 1 सा 5, अगेन 5 1 सा 5। अब आपने एलसीएम मालूम करना है, तो हमने लिखना है कि एलसीएम ऑफ 16, 20 और 30,
इसके एलसीएम जो प्राइम नंबर्स हैं वो आपने लिखने हैं। तो हमारे पास प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, जो नंबर से वो लिखने हैं 2 × 2 × 2 × 2, और फिर आपका 3 है एंड देन 5। आप इसको मल्टीप्लाई करना है इन नंबर्स को, 2 × 2 = 4, और 4 को फिर 2 के साथ करोगे तो 8 आता है, और 8 को फिर 2 के साथ करोगे 16 आता है। अब 16 को जो है वो हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 5 के साथ, तो 16 × 3 = 18 होता है, 1 इधर आ जाएगा, 3 × 1 = 3, और ये 48। अब 5 मल्टीप्लाई करेंगे, अब 48 को जो है वो 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 48 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 240 आता है। तो हमारे एलसीएम क्या आ गया है, एलसीएम जो है वो हमारा 240 आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो बाकी जो इस एक्सरसाइज में जो जितने पार्ट्स है क्वेश्चन के, तो वो आपने खुद सॉल्व करना और इसकी प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़।